हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज की मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से, और ये सैटरडे और संडे का मिक्स ब्लॉग रहने वाला है। तो आज है सैटरडे, तो इस समय तक मेरी क्लीनिंग और नहाने धोने का काम हो चुका है। बस अब नहाने के बाद आई हूँ, तो स्किन को, अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर रही हूँ, और उसके बाद जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। तो दोस्तों जो है हमारा जो रूटीन है ना, मेरा रूटीन वो चेंज होता रहता है। जैसे कि आज सैटरडे है और बच्चों की भी और उनके पापा की भी छुट्टी है। बच्चों के तो खैर आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जिस दिन वो एग्ज़ाम होता है उसी दिन वो स्कूल जाते हैं, बाकी दिनों घर पे अपनी तैयारी करते हैं। तो छुट्टियां होती हैं मतलब, तो बस इस तरीके से ना आजकल थोड़ा सा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो मेरा भी चेंज हो गया है। तो वही है, फैमिली के हिसाब से ही जो है हम अपना रूटीन जो होता है ना हमारा, वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं चलूँगी पूजा करने के लिए। और इस अभी जो है हस्बैंड जो है गए हुए हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो वो आएंगे, फिर उसके बाद जो हमारी फर्स्ट चाय होती है ना मॉर्निंग की, वो बनेगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बस उसी हिसाब से जैसे कि इन फैमिली वालों की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से मैं अपना जो है रूटीन उनके हिसाब से ही बनाती हूँ। तो जो है कुछ टाइम से ना मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बिना नहाए जो है नाश्ता बना लेते हैं, या फिर सारे ही यूट्यूबर्स एक जैसे हैं। तो चलिए जी, और यूट्यूबर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता दूँ, हर फैमिली के, हर परिवार के अपने अपने कायदे कानून होते हैं। और जो है पहले फर्स्ट जो हमारी होती ना फैमिली होती है, उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो हमें निभानी होती हैं। तो अपना घर परिवार पहले उनको देखना होता है, फिर जाके। ये ऐसा नहीं है कि जो है परिवार वालों के लिए लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, और हम अपना जो है पहले हमने अपने ही नियम बनाए हुए हैं कि नहीं जी हमें तो नहाना है पहले और उसके बाद। और वैसे भी मुझे ना बिना घर की साफ़ सफाई करे हुए नहाना जमता नहीं है, तो पहले मैं जो है परिवार को देखती हूँ अपने, फिर उसके बाद अपनी घर की सफाई करती हूँ, और उसके बाद अपना नहा धो के नाश्ता करती हूँ। तो क्योंकि मेरे घर में ना हस्बैंड भी और उन बच्चों का भी जो है टाइमिंग जो होता है ना सुबह का, वो जल्दी होता है, उनको 6:30 से 7 बजे के बीच में ही नाश्ता, और जिनका लंच जाना होता है वो सब तैयार चाहिए होता है। तो बस इस तरीके से ये रूटीन रहता है। बाकी जो कर सकते हैं इस नियम को, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहा धो के ही अपना नाश्ता बनाते हैं। जिनका मतलब लेट जाते हैं ना, देर से जाते हैं, तो वो तो खैर इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और मैंने भी, जैसे आज की छुट्टी का दिन है, तो मैंने सुबह जल्दी ही उठ के अपना जो है झाड़ू पोछा और जो है नहाने धोने का काम कर दिया है। और अभी जो है बच्चे सो रहे हैं, और हस्बैंड जो है जस्ट अभी वॉक से ही आए हैं, तो बस मैं जो है चाय बनाने रख दी है मैंने, और उसके बाद जो है नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते के लिए मैंने जो है यहाँ पर हरी सब्जी धो के रख के चली गई थी मैं नहाने से पहले, और यहाँ पे मैंने जो रात के बर्तन हैं वो मैंने फटाफट से लगा लिए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यहाँ पे ना मेरी चाय बन रही है, इधर मैंने चाय रख दी है, और यहाँ पे जो रात के बर्तन थे वो मैंने लगा दिए हैं, और यहाँ पे ना मैं नहाने से पहले ये सब्जी धो के गई थी। तो आज बनेगी हरी सब्जी नाश्ते में, तो ये हरी सब्जी आई है हमारे प्लॉट से, तो कल ही शाम को आई, तो इसको बना लेते हैं फटाफट से। तो चलिए जी, और पहले पियेंगे हम आराम से चाय, और उसके साथ लेंगे रस, फिर जाके, और पूजा मेरी हो चुकी है। तो और काम अभी नाश्ता का रह रखा है, मतलब बच्चों को नाश्ता कराना है, बच्चे अभी सो रहे हैं। वैसे तो उठ गई है, लेकिन खुशी अभी सो रही है, तो बस जब तक उठेंगे तब तक हमारा नाश्ता ही बन जाएगा। और जो हरी सब्जी नहीं खाते हैं उनके लिए आलू के पराठे बनेंगे, क्योंकि फ्रिज में मेरे पास 2 आलू बॉयल रखे हैं कल रात के, तो बस पराठे बनेंगे और ये सब्जी बनेगी। साथ में इधर रात की खीर भी बची हुई है, तो उसको भी हम गर्म करेंगे। रात को ना मैंने बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं किया खीर को, क्योंकि जो है मैंने कहा इसी में रहने देते हैं, सुबह गर्म करने में भी आसानी रहेगी और सही रहेगा। तो चलिए पहले पियेंगे हम चाय, और आप भी आइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। सुबह सुबह की चाय पीने का तो अलग ही क्रेज़ होता है ना। चलिए चाय देखिए पक रही है, कड़ रही है, तो तभी मज़ा आता है चाय पीने का। तो चलिए फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं। और मैंने ना स्वेटर डाल दिया, क्योंकि ना हल्की सी ठंडी है अभी, और कल से लग रहा है कि ठंड ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों में पड़ी है बर्फ़, तो ठंड थोड़ा सा यहाँ पे हो चुकी है। तो बस मैंने ये स्वेटर डाल दी है, क्योंकि हाथ फिर दर्द करने लगते हैं ठंड से,
मेरा हाथ का तो प्रॉब्लम आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पियेंगे और उसके बाद जो है नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो बस छुट्टी वाले दिन ना मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, सुबह सुबह की चाय और इनके साथ। तो मतलब और दिन तो मैं अकेले ही पीती हूँ, लेकिन आज के दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि इनके साथ बैठ के चाय पीऊँगी और खूब सारी बातें भी होती हैं। तो बस उसके बाद चाय पीने के बाद जो है मैं नाश्ता बनाने नहीं गई हूँ, मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि वैसे उठ चुकी है वो, अपना फ्रेश अप होने गई है। तो मैंने कहा फटाफट से पहले ये बेड को समेट लेते हैं। तो वही है, अगर आपने पूरा रूम समेट लिया है ना और बेड अगर फैला हुआ है ना, तो लग ही नहीं सकता कि हमने जो है रूम जो है सही कर लिया है। तो बस इसके बाद मैंने ये सारे जो फैले हुए हैं बेड को, उसको जो है समेटना शुरू कर दिया है। और इसको जो है जैसे ही सारी चीज़ें बेड अच्छे से समेट दिया है ना, तो तुरंत जो है कमरे में एक अलग ही लुक आता है और आपको लगता है कि पूरा रूम जो है ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो चलिए जी, यहाँ पे ये काम करने के बाद आ गई हूँ अब किचन में। अब बनाऊँगी मैं इत्मीनान से नाश्ता, वरना पता क्या रहता है, दिमाग मतलब अंदर ही रहता है कि हमारा बेड फैला हुआ है। तो बस उसको लगा के आ गई हूँ। और अब जो है ये राई की सब्ज़ी है और इसके साथ मैं बनाऊँगी मंडवे की रोटी। तो राई की सब्ज़ी के साथ मंडवे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है हमको। तो बस इसको मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने किया था, थोड़ा सा जो है हस्बैंड ने किया था, क्योंकि चॉपिंग करते हुए मेरे हाथ की जो नस है ना उस पर ज़्यादा दबाव आता है, फिर हाथ में ज़्यादा दर्द होता है। तो बस यहाँ पर तेल चढ़ा के तेल को अच्छे से जलाया है, सरसों का तेल है, उसमें मैंने जखिया का तड़का लगाया है। बस इसमें नमक डालूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी और उसके बाद ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत होती नहीं है। आप इसमें एक दो हरी मिर्च भी काट सकते हैं, लेकिन मैं सुबह के टाइम पे ना हरी मिर्च वगैरह अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उससे एसिडिटी बनती है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और सेंधा नमक है, इसके डले बन जाते हैं ना, तो थोड़ा सा उनको मैंने फोड़ दिया है, वरना वो पता क्या है मुँह में ऐसे ही आ जाते हैं कहीं पर, तो स्वाद ही ख़राब कर देते हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी को कढ़ाई में पूरा फैला दिया है ताकि उसका पानी अच्छे से सूख जाए और खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो। तो जब तक सब्जी बन रही है इतना मेरे पास टाइम है, तो मैंने यहाँ पे दूध का पतीला निकाल के फ्रिज से इसकी मलाई निकाल के रखूँगी। तो जब भी मलाई निकालती हूँ तो जो दूध के पतीले के किनारे बहुत मतलब मोटी सी एक लेयर लग जाती है ना मलाई की, तो उसको भी चम्मच से अच्छे से निकाल लेती हूँ, क्योंकि उस पर भी काफ़ी सारी मलाई लगी होती है। तो उसको अगर हम ऐसी धोने डाल देंगे तो वेस्ट ही जाएगा, इससे अच्छा है वेस्ट ना जाए। तो इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जितने चाय के लिए मुझे अभी दूध चाहिए वो मैंने पतीले में निकाल के रख दिया है, एक्स्ट्रा दूध जो है फ्रिज में रख दिया है। तो चलिए जी, यहाँ पर ना जो है मसालदानी फिल कर रही, तो धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो कटोरियाँ मसालदानी की बहुत छोटी छोटी हैं, तो बहुत जल्दी इसमें मसाला ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने आलू, दो बॉयल आलू हैं, तो इनको मैश कर दिया है, खूब सारी हरी धनिया और कुछ मिर्च मसाले जो सूखे वाले होते हैं वो मैंने ऐड कर दिया है बच्चों के हिसाब से, और इसको अच्छे से अब जो है मिक्स कर लूँगी और इस तरीके से ये बच्चों के लिए पराठे बन जाएंगे। बस जो हाथ थे मैंने उसमें आटे में ही गूंथ दिए हैं ताकि मसाला जो है आटे पे लग जाए और हाथ भी जो है अच्छे से साफ़ हो जाते। तो दोस्तों, यहाँ पे मंडवे का आटा मैंने लगा दिया है अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, और बच्चों के लिए बनेंगे आलू के पराठे। तो पहले बच्चों का बनाऊँगी, फिर जो है अपने लिए बनाऊँगी रोटियाँ। पहले एक रोटी मैंने गाय की बना दी है, उसके बाद जो है पराठे सेकने शुरू कर दिए हैं। तो जो ऊपर आपको खिड़की में प्लेट दिख रही है ना ढके हुए, तो वो मैं जो है रात की भी रोटी रहती है गाय की और सुबह की भी, तो अब मैं जो है दोनों को ही जो है जो दूध वाले भैया आते हैं ना उनको दे देती, तो वो अपनी गाय को दे देती। तो यहाँ पे लग गई है वैसो की प्लेट। तो जो मक्खन से घी निकालते हैं ना उसकी जो खुरचन बच जाती है ना, तो उसके साथ जो है पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसो खीर खाओगे बेटा? लेके जाओ, को बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी स्पेशली ठंडी खीर, तो ठंडी खीर रखेंगे इसको। लीजिए, इतना वैसो खाएगी और थोड़ा सा मैं अपने लिए बचाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है खीर। तो बस जी, यहाँ पे वैसो को दे दी है ठंडी ठंडी खीर। तो किस किस को पसंद है एकदम ठंडी खीर खाना, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और वैसो को भी। तो बस यहाँ पे ना मैंने जो है अपनी भी रोटियाँ बना ली है, मतलब बच्चों के पापा की थाली यहाँ पे लगा रही हूँ। तो बस ये मंडवे की रोटी और साथ में घी लगा दिया है अच्छे से, और उसके बाद जो ये हरी सब्ज़ी और साथ में जो है चाय। तो इस तरीके से ये हम दोनों का नाश्ता रहने वाला है, और बच्चों का नाश्ता हो गया है आलू के पराठे। तो वहाँ पर जो आपको छोटी सी कटोरी में दिख रहा है ना, वो है जो मयाड़ू होता है ना खुरचन निकलती है, उसमें मैंने गुड़ जो है गला दिया था ना, तो वो भी
बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद अब जितने भी बर्तन हैं रोटी बनाने वाले बर्तन सारे ही मैं धोने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी वो मैंने निकाल दी है कटोरी में, जो कि काम आएगी हमारे दिन के लंच में। तो चलिए जी यहाँ पे फटाफट से सारा सामान इधर उधर समेट लेते हैं और गैस पर जो तवा रखी है उसको भी मैं धोने के लिए रखूँगी और अब जो है सफाई कर लेते हैं। तो सफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर जितने भी ये पॉट रखे हुए हैं ना खिड़की के ऊपर, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनसे ना मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे खाना बनाते हुए और मेरा मन करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊँ और खूब सारी मतलब अच्छे से सफाई करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिया है, साथ में जो यहाँ पे जो रखे हुए हैं ना सारे जार वगैरह इनको भी अच्छे से पोंछ लिया है एक कपड़े से, और उसके बाद जो है इस साइड में सफाई कर लूँगी। तो इस तरीके से ना मॉर्निंग क्लीनिंग मेरी मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना वो इस तरीके से ही रहता है। थोड़ा कभी कभी चेंज होता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारी फैमिली वालों के टाइमिंग के हिसाब से। तो बस आजकल जैसे छुट्टी के दिन है और बच्चों के पेपर के दिन है, तो इस तरीके से रूटीन चेंज हुआ है। तो कल रात को ना जैसे रात का टाइम है, बच्चे ही खुशी जो है आटा लगाती है, हाथ की वजह से जो है वो ही लगा के दे देती है मुझे क्योंकि दर्द होता है। तो बस जो है रात को उसने आटा निकाला होगा तो यहाँ पे गिर गया। तो आज सुबह जब मैंने मंडवे के आटा लगाने के लिए इधर निकाला ना आटा, तो तब मुझे दिखा कि इधर आटा गिरा हुआ है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब मैं नाश्ते का काम कंप्लीट करूँगी ना उसके बाद जो है किचन की क्लीनिंग करूँगी तभी जो है इसको साफ़ करूँगी। तो लगे हाथों जो है मैंने आटे की टंकी तो बाहर निकाली है, साथ में जो चावल की टंकी है वो अंदर ही है, बस उसको भी ऐसी पोंछ लिया है कपड़े से और इसकी आटे की टंकी को भी अच्छे से पोंछ लिया है। और उसके बाद जो है ये वाला एरिया साफ़ हो चुका है। अगर मैं उसको इग्नोर करती ना तो वहाँ पे कुछ भी पानी गिरता या कुछ भी ना तो फिर वो आटा जो है ना जम जाता, फिर उसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती। तो अभी तो जो है झाड़ू से ही काम चल गया था, लेकिन फिर मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ती और पोछे से फिर घिसना भी पड़ता। फिर लगे हाथों मैंने जो है झाड़ू भी लगा दी है, उसके बाद ऐसा मैंने कुछ सूट किया नहीं। फिर नेक्स्ट दिन मिल रही हूँ यानी कि संडे की है, तो लंच टाइम चल रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल सा अपना लंच, एकदम पहाड़ी लंच। तो एक ब्लॉग सॉरी एक कमेंट आया था मुझे कि आप उत्तराखंड से हो तो अपनी उत्तराखंड की रेसिपी शेयर करो। तो बस यहाँ पे जो है बना रही हूँ मैं गहत का फाड़ू, कुलत दाल के फाड़ू। तो इसको जो है ना 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनना होता है। रात भर जैसे मैं सोक करने रख देती हूँ कुलत की दाल को, और उसके बाद जो है इसको मिक्सी में पीस के और बस इस तरीके से तेल वगैरह डाल के जखिया का तड़का लगाती हूँ और इसको 3 से 4 मिनट मैंने बहुत अच्छे से भूना है। और उसके बाद जो है इसमें प्याज के पत्ते काट के ऐड कर दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। तो इसमें खास करके हम हरी सब्जी कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज के पत्तों का ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे ना अब ये 15 से 20 मिनट में इसको ऐसे ही खुले में पकाऊंगी, तब जाके ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो जो है जब मैं फाड़ू के लिए प्याज और लहसुन वगैरह कटिंग चॉपिंग कर रही थी ना, तभी जो है दूध जो है निकल गया गैस पे, तो मैंने तुरंत के तुरंत उसको साफ़ कर दिया क्योंकि अगर मैं उसको वैसे ही रहने देती और गैस जो है जलती ना उसके बाद, तो फिर वो सारा जो गिरा रहता है ना वो सूख जाता, फिर उसको निकालने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती। तो बस मैंने हाथों हाथ उसको साफ़ करके फिर जाके चावल चढ़ाए हैं। और इधर जो है शाम को सैटरडे ही शाम को हम सब्जियाँ ले आते हैं सब्जी मार्केट जाके, तो बस जो है सब्जियाँ मैंने अब जाके धोई हैं। तो बस इनको धो के भी रख दूँगी और काम होते होते फिर जो है मैं इनको फ्रिज पे लगा दूंगी क्योंकि तब ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो चलिए जी मैंने लंच के साथ साथ जो है ये सब्जी वाला काम भी कंप्लीट कर दिया है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए जी यहाँ पे ना अब बनाऊंगी मैं एक स्पेशल भांग वाली चटनी, तो जो कि हम जो है इसके साथ फाड़ों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से भांग लेके उनको रोस्ट कर लिया है और ये टमाटर और मिर्ची को भी मैंने थोड़ा सा गैस पे ही रोस्ट कर लिया है। तो बस इनको मैं मिक्सी जार में ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन के पत्ते लिए हैं, आप लहसुन की कलियाँ भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर उनको काट के, और ये हरी धनिया है, तो ये सारा हमारा अपने ही प्लॉट का है, तो लहसुन के पत्ते और धनिया इस तरीके से हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब साथ में डालूँगी मैं जो मेन चीज़ है भांग, तो रोस्ट किया हुआ भांग, और ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्ट सॉरी चटनी बहुत अच्छी बनती है। साथ में मैंने ना 2 रोटियां भी बना ली थी क्योंकि लंच में मैं ले रही हूँ रोटियां, चावल मुझे खाने के लिए जो है डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो उन्होंने ना ठंडी चीज़ खाने को मना किया है, दही चावल राजमा वगैरह, तो बस मैं रोटी ही लेती हूँ। तो बस इस तरीके से ये फाड़ू भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें मैंने ऐड कर दी है ऊपर से कटी हुई धनिया, और चलिए मैं आपको अपनी जो स्पेशल है ना गढ़वाली स्पेशल थाली वो लगा के दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे लंच मेरा बन चुका है, यहाँ पे मैंने मूली भी काट के रख दी है, ये चटनी है भांग की, और यहाँ पे रोटियाँ बना दी हैं अपने लिए, इधर जो है चावल भी बन चुके हैं,
तो मैंने रोटी बनाई थी ना तवे पे, तो मैंने उस पर ही जो है चावल रख दिए ताकि गर्म रहे, जब तक तवा गर्म रहेगा। इधर जो है हमारा फाड़ो भी बन चुका है, लेकिन अभी जो है बच्चों के पापा गाड़ी की सर्विस करवाने गए हैं तो वो अभी नहीं आए हैं। तो बस मैंने उनको अभी कॉल करी थी कि आप कितने बजे आओगे, तो उन्होंने कहा था मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, और 2 बज चुके हैं, लेकिन शायद आ रहे होंगे रास्ते में, तो तब हम लंच करेंगे और मैं आपको आज अपनी गढ़वाली थाली लगा के दिखाऊंगी। मम्मा मैंने पढ़ ली गढ़वाली स्पेशल खाना, मैंने पढ़ा थोड़ी देर टीवी देख लो, पढ़ाई कर ली, मुझे सुनाया तो नहीं अभी जो याद किया, क्या लेके आया? नया फ्लेवर टकाटक का, नया फ्लेवर कौन सा फ्लेवर है ये? नूडल मसाला। ऐसी चीजें खाते रहते ना बच्चे, तो चलिए ठीक है। कैसा टेस्ट हो रहा? तो बस इनके आते ही मैंने जो है थाली लगा दी है, दे दे है इन सबको खाना और अपनी प्लेट लगा ली है। तो ये रात की कटहल की सब्जी है, तो वो भी जो है हम सब मिलके ही खा लेंगे। और यहाँ पे फाड़ो के साथ जो है घी डाल दिया है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पे लंच करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद किचन से आ गए हैं अब अंदर। तो सुबह के टाइम पर मैं गई थी डॉक्टर के पास, जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है हाथ का, तो आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है इस तरीके से दिए हैं, तो इनको जो है प्रेस करना है, और मेरे अपने हाथों से तो हो नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था थोड़ा सा इसको अच्छे से दबाना है, जितना दर्द आप सह सको ना थोड़ा सा उतना। तो बस इन्होंने जो है ये सारे पॉइंट जो है दबाए हैं, तो दिन में 3 बारी और 1 बारी में 10-15 बार तो इनको दबाना ही दबाना है, तब जाके थोड़ा सा दर्द में राहत मिले। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं। तो ये था मेरा सैटरडे मॉर्निंग और संडे का लंच रूटीन, कैसा लगा आपको? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।